हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में हम प्रश्नावली 13। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे और उसमें हम सांख्यिकी जो चैप्टर है 14.3 यहाँ पर आ चुके थे और इस प्रश्नावली को हल कर रहे थे। यहाँ पर हमने 7 प्रश्न तक हल कर लिया था। आज हम आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। टोटल देखिए 19 क्वेश्चन होने वाले हैं और हमें सभी क्वेश्चंस को करना है, तो बैक टू बैक। तो 8वें प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है उसको देखते हैं। कक्षा 10 के कुछ विद्यार्थियों द्वारा वृद्ध लोगों की सहायता के लिए दान दिया गया। उनके द्वारा दिए गए योगदान निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाए गए हैं। राशि यदि ये है 0 से 20 रुपये तक के 5 विद्यार्थियों ने दिया है, 20 से 40 के बीच में 8, 40 से 60 में 12 और 60 से 80 रुपये के बीच में है 11 लोग, 80 से 100 रुपये के बीच में 4 लोगों ने योगदान दिया है। उनके योगदान का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें पहले इस पूरे बारंबारता सारणी को कॉपी में उतारना होगा। तो चलिए संचयी बारंबारता निकालते हैं सबसे पहले, तो इसकी क्योंकि ये बारंबारता है, ये वर्ग अंतराल है, संचयी बारंबारता के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 5, 8 और 5 को जोड़ना है, हम ऐसे 8 और +5 लिख देते हैं, 8 + 5 = 13 हो गया। फिर 13 और 12 को जोड़ना होगा, तो 13 + 12 लिख लेते हैं और ये 12 + 13 कितना हो जाता है 25, और उसमें 11 जोड़ना है तो 25 + 11 बराबर हो जाएगा कितना 36, 36 में 4 जोड़ना होगा, इसके बराबर हो जाएगा 40। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी हो गई है 40, ये 40 हो गया है। यहीं पे कर लेते हैं, n/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि है 40/2 = 20 हो जाएगा। और ये मिल जाने के बाद 20 को हमको खोजना होता है, 20 कहाँ है भाई, 13 के बाद 14 हुआ इसमें गया और 25 तक के लोग इसमें है, तो 20 इसमें ही घुसा होगा। ये वाला इसके सामने वाला हिस्सा एफ हो जाएगा, इसके सामने वाला ये माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग या फिर माध्यक वर्ग अंतराल हो जाएगा 40 से 60 और इसकी निम्न सीमा एल का मान 40 हो जाएगा। इसका जो अंतर है एच का मान हो जाएगा वो 20, 60 में से 40 किया 20, वो तो हर जगह ही 20 ही है। और एफ का मान जो निकला है वो भी रख लेते हैं 12। इसके ऊपर वाला जो इसके जो भी मिला रहता है इसके ऊपर वाला जो होता है वो सी एफ होता है, सो सी एफ बराबर लिख लेते हैं अपना 13। तो सारी चीज़ें हो गई। फार्मूला लिखने की बारी आ जाती है, तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, वो होता है L+(n/2 - CF)/F(h)(h) ऐसे करके होता है। फार्मूले को बहुत गंदे तरीके से लिखा है, तो L के मान जो 40 है वो रख लेते हैं, 40+(n/2) का मान 20 हमने निकाला था, CF का मान 13 तो निकल गया था, F का मान 12 निकल गया था वो 12 रख लेते हैं, और H का मान 20 निकाला था। तो सारी चीज़ें तो रख लिया, ओके। और अब मान क्या रखना है, कुछ विशेष काम नहीं है, यहाँ से घटा लेना है, 7 मिल जाएगा, 7/12 है, गुणते ये 20 हो रखा है। यहाँ पे करना ये रहेगा कि हम 4 से काट सकते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 3 मिल गया। अब ये 5 × 7 = 35 हो रहा, 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 40 है प्लस 5 × 7 = 35 हो रहा है 3, तो 3 से हमको भाग करना है किसको 35 को, सो 3 से भाग कर लेते हैं 35 को, देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, 3 × 9 = 3 हो गया, कट गया 5 उतारा, 3 × 9 = 3, बच गया 2.0, 3 × 6 = 18 और फिर से 2 मिलेगा और ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इट्स मीन यहाँ पे लिखा जाएगा क्या कि इसके जगह 11.6 आ गया, 6 लिख लेते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर 6 7 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 6 7 लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। जोड़ लेते हैं इसको, 40 और 11 जुड़ जाएगा, ये 51.67 मिल जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और अब प्रश्न संख्या 9 की बारी आ चुकी है, देखते हैं प्रश्न संख्या 9 में क्या है। 50 शहरों की बात कर रहे हैं, 50 शहरों में महिलाओं के साक्षरता
साक्षरता दर निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाई गई है। साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है 20 से 30, यहाँ पे जीरो से शुरू नहीं किया, 20 से 30% जो साक्षरता है वो 3 शहरों में है, 30 से 40, और बाकी सब पूरा दिया गया है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, और माध्य ज्ञात करने के लिए करना क्या है, इनको पहले लिखना है कॉपी में, उसके बाद ही कुछ काम हो पाएगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत कर लेनी है बहुत ही आराम से। 3 है तो 3 ऐसे लिख लिया, ओके, और फिर 3 2 5 हो रहा है तो 3 + 2 = 5 लिख लिया, फिर 5 और 6 जोड़ना है, 5 + 6 = 6 5 = 11, 11 और 15 जोड़ना है तो 11 + 15 लिख लिया, और ये हो गया 26। 26 में 8 जोड़ना है, 26 + 8 लिखना है, 8 6 14 4 हो जाएगा, 34 बन जाएगा, और इस 34 में 7 जोड़ना है, 7 4 11 यानी कि ये 41 हो जाने वाला है, और 41 में 5 जोड़ना है, ये 46 हो जाएगा, 46 में 4 जोड़ने पर ये 50 हो जाएगा। 50 लोगों के बारे में पहले भी कह रहा था, 50 शहरों के बारे में, तो n का जो मान है वो 50 मिल चुका है। n का मान जब 50 मिल गया है तो n/2 का मान निकाल लेंगे, जो कि 50/2 यानी कि 25 प्राप्त हो जाएगा। 25 खोजिए, 11 के बाद 14 15 16 12 13 14 15, ये सब आ गए, 25 वाला सेक्शन यही 26 के अंतर्गत होगा, तो ये वाला जो हिस्सा वो एफ हो जाएगा, ये वाला हिस्सा सी एफ हो जाएगा, इसके सामने ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो अगर हम माध्यक वर्ग लिखें, माध्यक वर्ग ये क्या होने वाला है, यही अपना 50 से 60। L का मान क्या हो गया, 50 हो गया, H का मान क्या हो गया, 10 हो गया, और क्या है, F का मान जो है वो हमने 15 लिख कर रखा है, CF का मान कितना है वो हमने 11 लिख कर रखा है, ये CF 11 हो गया है। चीज़ों को और कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला लिखना है कि हमारा माध्यक कितना है, माध्यक बराबर हो जाएगा L + n/2 - CF / F × H, फॉर्मूला लिख लिया, चीज़ों को रख दिया देते हैं, L का मान जो अपना 50 है वो लिख लिया है, प्लस n/2 का मान हमने 25 निकाला था, CF का मान हमने 11 लिया था, और F का मान ये 15 लिया था वो 15 रख देते हैं, और H का मान तो 10 है वो रख देते हैं यहाँ पे 10। 50 हो गया प्लस 25 में से 11 घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये 14 मिल जाएगा, बटे 15 हो रहा है गुणते 10 हो रहा है, 5 × 15 = 10 = 14 × 28 हो रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 50 + 28/3। तो 3 से भाग करना है, और भाई भाग कर लेते हैं 3 से 28 में, 3 × 9 = 27 होता है, कितना बचा 1, और डेसिमल लग गया, 0 बढ़ गया, 3 × 9, फिर 3 × 9 ये बारी बारी से आता जाएगा, ख़त्म नहीं होने वाला है, तो 50 प्लस आप कह सकते हैं 9.33 आपको प्राप्त हो रहा है, जिसको जोड़ने पर 59.33 हो जाएगा, जो कि माध्यक होगा इस पूरे आंकड़े का। अब हम 10वीं सवाल देख सकते हैं, जहां पे हमको आंकड़ों का माध्यक निकालना है, लेकिन यहां पे वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, यहां पे ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई सेंटीमीटर से कम दी गई है, यानी 120 से कम, 140 से कम, ये पूरा से कम वाला सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, ये संचयी बारंबारता है, ओके। तो हमें पहले निकालना होगा इसका एक अच्छा सा बारंबारता, मतलब वर्ग अंतराल तो निकालना पड़ेगा, बिना वर्ग अंतराल के यहाँ पे काम नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले बात तो इसे छापते हैं, और उसके बाद कॉपी में इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो जी ये तो है आपके पूरे सवाल 10वीं के, हमने यहाँ पे पूरे सवाल उतार लिए, अब यहाँ पे शुरू करते हैं। तो भाई बात यह है कि यहाँ पे से कम की बात की गई है, यानी कि 120 से कम। अब 120 से कम मतलब कितना ले सकते हो, इनका डिफरेंस कितना है, 120 से 140 यानी 20 का डिफरेंस हो रहा है, 120 से कम, यहाँ पे से कम कहने का मतलब 120 से कम, 120 से कम कितना तक जाएंगे, हम यहाँ पे वर्ग अंतराल लेना चाहते हैं 100 से 120 के बीच में, 120 से कम को होने का यही मतलब निकलता है, ठीक है। वर्ग अंतराल इसके बीच, इसके अलावा कुछ लेंगे तो ठीक नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंतर तो सब जगह 20 का है, इसी वजह से 120 से कम मतलब 100 से 120 के बीच में, तो हम यहाँ पे 100 से 120 लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो निकल गई।
अच्छा 120 से कम का मतलब क्या है? ये जो लोग हैं 12 लोग 120 से कम है, यानी कि 100 से 120 के बीच में है, तो यहाँ पे 12 लोग आ जाएंगे। ओके ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर 140 से कम का मतलब हो गया, ये वाले सेक्शन को हमको रखना है कैसे, 120 से 140 रखना है। ओके अब क्या करना है, ध्यान देना कि 140 के अंतर्गत 26 लोग हैं, 140 से नीचे 26 लोग हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इस 2600 लोगों में ये 12 लोग भी शामिल हैं, इस 2600 लोग में 12 लोग भी शामिल हैं। हमें बस इन 12 लोगों को हटा देना है ताकि 120 से 140 के बीच में जो लोग हैं जिनकी लंबाइयाँ हैं वो आ जाए। तो इसके लिए हमें 26 में से माइनस करना होगा 12 को, और ये हो जाएगा कितना, 14। तो ये आपको तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर रही बात है, आगे पढ़ते हैं। 160 से कम का मतलब हो गया 140 से 160 लिखेंगे, 140 से 160 लिख रहे हैं, और इसमें कितना घटाएंगे भी, 160 से कम मतलब सभी लोग 160 से कम हैं, इस 34 लोगों में ये 26 लोग शामिल हैं, जिन 26 लोगों में 12 लोग शामिल हैं। हमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इस 34 में से 26 घटा देना, इतना छोटा सा काम आपको करना है, इसे 34 में से 26 को घटा देना है, आपको इसके अंतर्गत जो विद्यार्थियों की संख्या है वो मिल जाएगी। तो हम बस आराम से इसे 34 माइनस 26 कर लेते हैं, इस 12 से ज़्यादा ध्यान उम्मीद में थकी है फिर उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 12 लोग इसमें शामिल थे और ये 26 लोग इसमें शामिल हैं, और ये जो 34 लोग हैं इस 40 में शामिल हैं, 40 में लोग ये 50 में शामिल हैं, तो ये हमेशा शामिल होते रहते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके बगल वाले से घटाते हुए लिखते चले जाना है, बस काम हो जाएगा। 26 में से 12 को घटाया तो 34 में से 26 को घटा दीजिए, तो 14 में से 6 गया 8 हो गया, और 2 में से 2 गया खत्म, मतलब 8 यहाँ पे अकेले मिला। फिर जब 34 वाला काम निपट गया तो 40 पे 180 और चलते हैं, तो ये हो जाएगा 160 से 180 और 40 में से 34 घटाना है, तो 40 में से 34 को घटा देना है, कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ओके फिर अगला 200 में, जब 200 से कम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 180 से 200 लेते हैं, 50 में से 40 घटाना है, 50 में से 40 को घटाना है, और ये हमको 10 मिल जाएगा। अब आ जाती है संचयी बारंबारता की बारी। संचयी बारंबारता मेरे ख्याल से यही वाली जो गिनतियाँ लिखी थी यही ही आएंगी। भाई बात इतना याद रखेंगे कि कभी से अधिक से कम प्रकार वाले में थोड़ा सा लफड़ा कभी कभी आ जाता है, तो एक बार तो संख्या निकालनी है फिर संचयी बारंबारता लिख लेनी है। 12 हो गया और 12 14 26 हो रहा है, वही संचयी वार्ता मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। 8 से 14 ये 34 ही बन रहा है, 34 ये 40 ही बन रहा है, और 50 ही बन रहा है, यानी से कम प्रकार वाले में आप समझ पा रहे हैं कि ये संचयी वार्ता वही सेम रहती है, लेकिन से अधिक प्रकार वाले में ऐसे सेम नहीं रहती है, उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ता होता है। खैर अब बात आगे बढ़ाते हैं, जबकि संचयी वार्ता वगैरह सब कुछ मिल गई है, एन की वैल्यू आपको 50 भी मिल चुकी है, तो निकाल लेते हैं ना, क्या निकालते हैं, एन बाई टू की वैल्यू निकालते हैं, जो कि 50/2 करके 25 मिल जाती है। 25 को खोजने की बारी है, 12 के बाद 13, 14, 15 ये सब 26, 26 मतलब इसी में घुसे हैं, 26 में ही 25 है, तो ये सामने जो मिल रहा है ये एफ हो जाएगा, और ये वर्ग अंतराल, तो ये माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग की अगर बात करें तो ये हमारा हो गया 120 से 140 जो है माध्यक वर्ग हो गया, L की बात करें तो वो 120 हो गया, H की बात करें तो वो 20 हो गया, और F की बात कर लेते हैं तो वो 14 दिखाई दे रहा है। CF इसके ऊपर वाला होता है, यही CF होगा, तो CF क्या हो गया, वो 12 हो गया। अब हमें करना ज़्यादा कुछ नहीं है, सूत्र लिखना है माध्यक का, माध्यक या फिर माध्यिका एक ही बात होती है, माध्यक L बराबर एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन F इन टू एच लिख लिया है, और L का मान अपना 120 रख देते हैं, प्लस N बाई टू का मान 25 हमने निकाला था, सी एफ का मान ये 12 लिखा है, F का मान 14 लिखा है, H का मान 20 लिखा है, तो सारी चीज़ें हमने रख दी हैं और इन्हें अब हल करना है। 25 में से 12 घटाने पर 5 में से 2 जाने पर 3 हो गया, 2 में से 1 जाने पर 1, ये 13 हो गया, नीचे हो गया 14, ऊपर हो गया 20, 2 से कट रहा है 10 मिल रहा है, 2 से कट रहा है 7 मिल रहा है, और कुछ कट नहीं रहा है, तो
ऐसा करते हैं 13 दशमलव 130 करते हैं बटे 7, यानी 120 प्लस 130 बटे 7 हो रहा है। भाग करने की बारी आ जाती है, बिना भाग किए तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। 130 है मेरे पास, तो 7 × 9 = 7 और यहाँ पे हो जाएगा 7 × 6 = 13 मतलब 6 बचेगा 0 और 7 × 49 = 7 = 56 8 = 56 बचेगा 4, डेसिमल लगेगा 0 बढ़ेगा, 7 × 5 = 35 और बच जाएगा 5, फिर 7 × 49 इतना ही मिल रहा है। सो हमें यहाँ पे लिखना है 120 प्लस 18.57, जोड़ लेते हैं, ये 8 और 0 जोड़ करके 8 हो जाएगा, 1 और 2 मिल करके 3, 138.57। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला जाएगा। काम थोड़ा सा लंबा चलेगा बट ठीक है, चलेगा ऐसे ही। सो दोस्तों अब 11 नंबर प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है कि आंकड़ों के माध्य का माध्यक परिकलित कीजिए। अंक दिया गया है 150 के से ऊपर या बराबर, 140 से ऊपर या बराबर, 130, 120, 110 सब कुछ दिया गया है और हम सारी चीज़ें अभी समझने वाले हैं, बारी बारी से ध्यान से देखते जाएंगे और सारी चीज़ें देखेंगे। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दी गई है, यानी कि अंक मिले हैं बच्चों को और किसी के ऊपर क्या कुछ मिला है। तो पहले डिटेल्स को कॉपी में लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब इसको हल करने के लिए आइए ध्यान से देखते हैं, बात को समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना। यहाँ पे देखिए चीज़ों को हमने थोड़ा सा सस्ते में लिखा है, से ऊपर या बराबर हमने यहीं पे लिख कर निपटा दिया और चीज़ों को ऐसे लिखा है, तो बात को समझना है। ठीक है, शुरुआत इधर से करेंगे क्योंकि हमने हमेशा छोटी वाली चीज़ें ऊपर लिखते हैं फिर बढ़ते हुए चले जाते हैं, तो ये काम कर सकते हैं। या फिर आप बराबर मतलब घटते हुए क्रम में भी आ सकते हैं, छोटे बड़े से कम की ओर भी आ सकते हैं, कम हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। बाकी प्रक्रिया रहेगी कि हम पीछे से शुरू करें, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे से ऊपर या बराबर मतलब 80 से ऊपर या 80 के बराबर जो लोग होंगे वो क्या हैं, 150 लोग हैं। तो 80 से ऊपर यानी कि हम 90, 80 से 90 के बीच में हम गिनतियाँ लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं 80 से 90 के बीच में। ओके, तो 80 से ऊपर जो लोग हैं सब ये सब लोग हैं 150 लोग और 90 से ऊपर खाली 141 लोग, इनके बीच का डिफरेंस जो 9 लोग बच रहे हैं वो 80 से 90 के बीच में होंगे। तो इसका मतलब हो गया 150 माइनस 141 बराबर 9, 9 लोग जो हो गए वो होंगे इनके बीच में। अब 90 से ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं, तो 90 से ऊपर क्या भैया, ये 90 से ऊपर 141 ले या फिर उसके बराबर, और 100 से ऊपर 124, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो लोग इनके बीच में आएंगे। तो 90 से हम 100 ले रहे हैं और 141 में 124 घटाएंगे और क्या मिल जाएगा, जो भी मिलेगा वही हमारा यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। तो हंस लेते हैं, 11 में से 4 गया तो हो जाएगा 7, 7 × 4 = 11 होता है, 4 और 7 मिल जाएगा। यहाँ पे बचा है 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है 17 लोग हो गए जो इसके अंतर्गत आएंगे। अब आ जाता है 100 से 110 के बीच वाला हिस्सा, 100 से ऊपर 124 लोग और 110 से ऊपर 105 लोग, 124 में 105 घटा दीजिए, इनके बीच के डिफरेंस जो मिलेगा वही इन लोगों मतलब इस अंकों के बीच में आएंगे। 124 माइनस 105 किया कितना मिल गया, 14 हासिल लिए, 14 में से 5 गया 9 और 1 में से 0 गया 1, मतलब 19 लोग हो गया। फिर 110 से 120 ले रहे हैं और 110 से 120 में 105 में से 60 घटाएंगे, तो 105 माइनस 60 कर लिया है और 5 में से 0 गया 5, 10 में से 6 गया 4, मतलब 45 लोग हो गए। फिर 120 से 130 लोग के बीच में कितने लोग आ गए, 120 से 130 में, तो यहाँ पे देखेंगे 60 लोग हैं, उसमें से 27 लोगों को हटा लेते हैं, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, 33 लोग आ गए, 50 ठीक है। फिर आगे जाता है अगला, 130 से 140 के बीच में
कितने लोग होंगे, 130 से 140 के बीच में कितने लोग होंगे। तो 27 में से 12 घटा लेते हैं, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 15 लोग हो गए। 140 से 150 के बीच में कितने लोग होंगे, तो 140 से 150 के बीच में 12 में से 0 घटा देंगे तो 12 लोग इसमें हो जाएंगे। और लास्ट वाला अगर बात करें 150 से ऊपर कितने लोग हैं, तो 150 से 160 के बीच में 0 लोग हैं, कुछ बचा ही नहीं है, ख़त्म होगी बातें ही। तो 150 से ऊपर यानी 150 से 60 के बीच में यही जो 0 दिखाई दे रहा है वही लोग हैं, ये हो गया बात। तो संचयी बारंबारता निकालने की बारी आ जाती है। हालांकि उससे भी काम हो सकता था, लेकिन अब जो कर लिया है वैसे ही किया जाए। तो 9 हो गया और 17 और 9 को जोड़ना होगा, तो इनको जोड़ते हैं। तो भैया 9 प्लस 17 लिखते हैं, 17 9 7 16 26 हो रहा है, 26 में 19 जोड़ लेते हैं, 26 प्लस 19 तो 9 6 15 5 हासिल आ गया 1 2 1 3 1 4 45 हो रहा है। और ये 45 प्लस 45 होगा जो कि 90 के बराबर हो जाएगा, 90 प्लस ये 33, 90 प्लस 33 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और 9 9 3 12 123 हो गया। 123 में ये 15 जोड़ देंगे तो 5 3 8 हो रहा है, और 5 3 8 2 1 3 1 138 हो गया है। और इस 138 में ये 12 जोड़ देंगे लास्ट वाला, तो हमको मिल जाएगा 0 3 1 4 1 5 और 150 मिल जाएगा। और 150 में 0 जोड़ देंगे तो यहाँ के संचय बारंबारता से क्या मतलब होगा, क्या किया जाए, 150 में इस 0 को जोड़ दिया जाए तो 150 ही प्राप्त होगा। लिख लेते हैं, कोई काम का है नहीं वो। n की वैल्यू जो मिली है 150 मिली है, तो n बाय 2 निकालेंगे, 150 बटे 2 बराबर 75 यानी कि 75 हो गया। 75 कहाँ पे है, 45 से ज़्यादा 90 के बीच में, यहाँ पे 75 है यानी इस वाली लाइन पे है। और यहाँ पे ये जो मिला है ये f हो जाएगा, 90 से ऊपर वाला ये जो होगा सी एफ हो जाएगा, इसके सामने ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, हमारे पास जो हमारा माध्यक वर्ग है वो है 110 से 120, एल की वैल्यू हो गई 110, एच की वैल्यू हो गई 10, एफ की वैल्यू हो गई 45, सी एफ की वैल्यू जो हो गई वो भी है हो गई यहाँ पे 45 ही लिख लेंगे, क्योंकि वो भी 45 ही है। और अब फार्मूला लिखने की बारी आ जाती है, माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। लिख लिया फार्मूला, चीज़ों को रख देते हैं, 110 प्लस इसके जगह पे 75 माइनस सी एफ यानी कि अपना 45 मिला था, एफ की जगह पे भी 45 मिला था, एच की वैल्यू तो अपना 10 है। ये 110 रहना है, प्लस लगाना है, इसमें से घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 4 गया 3, ये 45 है गुणते हैं 10। तो काटते हैं, 15 दूनी 30, 15 3 45 कट रहा है आराम से, 15 दूनी 30 3 45 कट गया आराम से, काट दिया। 10 दूनी 20 हो रहा है, 20 बटे 3 हो रहा है। यहाँ पे 110 बटे 20 बटे 3 हो रहा है। और यहाँ पे हमने देखा कि इतनी देर से हम सवाल कर रहे हैं, किसी भी सवाल में कभी भी ऐसा नहीं कि आराम से कट जाए, सभी में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा चल रहा है, 3 6 18 दो बच गया, फिर 3 6 18 3 6 18 बार बार आएगा। और सीधी बात जा रही है, ये 6.67 जाने के मूड में है, उसके अलावा कुछ है नहीं। योगफल करेंगे, 110 में 6 जुड़ जाएगा तो 116.67, और बस हो गया इस प्रश्न का उत्तर। सो दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 12 पे आ चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक 24 है,
तो लुप्त पद बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए, लुप्त जो भी बारंबारता यहाँ पे हमको एक्स दिखाई दे रही है उसका मान ज्ञात करना है। आयु वर्षों में दी गई है इस प्रकार से, व्यक्तियों की संख्या दी गई है इस प्रकार से, और इसको हल करने के लिए हमें लिख लेना चाहिए इसे कॉपी पे। तो कॉपी पे हमने लिख लिया है, आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आयु वर्षों में दी गई है, व्यक्तियों की संख्या दी गई है, हमको क्या करना होगा, संचयी बारंबारता निकालनी है, कि बिना संचयी बारंबारता के हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये तो हो गया पाँच, और ये 25 में 5 जोड़ा जाएगा, हो जाएगा कितना 30, और इसका जो योगफल होगा वो 30 प्लस यक्स हो जाएगा, यक्स जोड़ने पर। इसको जोड़ते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, क्या प्लस प्लस लेकर कर रहे हैं वो तो थोड़ा सा दिक्कत दे जाता है, सही से लिखाता नहीं है। तो 30 और 18 को जोड़ने पर देखिए 30 10 40 40 48 हो जाएगा, ये 48 प्लस यक्स हो जाएगा, 7 जोड़ने पर 8 7 15 यानी कि 55 प्लस यक्स हो रहा है। सो एन की वैल्यू क्या मिल रही है, 55 प्लस एक्स मिल रही है। चूंकि आपको माध्यक क्या है भैया, माध्यक 24 दिया गया है, तो 24 किसके बीच में, देखिए यहाँ पे आपको जो माध्यक वर्ग अंतराल खोजना है, माध्यक वर्ग खोजना है, वो माध्यक के जरिए आप खोज पाएंगे, क्योंकि एन बटे एन बाय टू के वैल्यू रख करके आप यहाँ पे खोज पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो माध्यक के जरिए हम माध्यक वर्ग खोजेंगे, तो माध्यक चूंकि 24 है तो भैया 20 और 30 के बीच में आएगा, 20 और 30 के बीच में आएगा, तो ये तो अपना माध्यक वर्ग हो गया। इसके सामने वाला F हो गया, इसके ऊपर वाला CF हो गया, यही तरीका होने वाला है, ठीक है। खोजने का तरीका दो तरीके होते हैं, पहले तो n बाय टू करके अगर निकाल पाओ तो निकालो, नहीं तो अगर माध्यक दिया गया तो इसके जरिए हम निकालते हैं। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होता है वो क्या हो गया है, 20 से 30 हो गया, ठीक है, क्लियर रही बात। और L की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, H की वैल्यू क्या हो गई, वो 10 हो गई, इसका अंतर 10 हो गया। और निकाल लेते हैं F की वैल्यू हमको क्या दिखाई दे रही है, X दिखाई दे रही है, और CF की वैल्यू कितने दिखाई दे रही है, वो तो 30 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 30 दिखाई दे रही है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं, लिखने के बाद फार्मूला वही अपना रखते हैं, माध्यक बराबर L प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, तो रख दिया। तो माध्यक तो हमें 24 दिया गया, तो हम यहाँ पे 24 ही रखेंगे, बराबर L की वैल्यू हमने 20 ली, 20 रखेंगे, प्लस N की वैल्यू जो है 55 प्लस एक्स है, तो वो रखना पड़ेगा, 55 प्लस एक्स रखना पड़ेगा, बटे 2 होगा, माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू हमने 30 निकाली है, तो यहाँ पे 30 रखना होगा। टोटल F मतलब कि F की जगह पे अपना X आ गया, वो X रखा जाएगा, इंटू क्या है H, H की वैल्यू कितनी है, सॉरी 10 है, तो हमने 10 रख दिया। अब इसको बस हल कर देना है और X का मान निकाल लेना है। सबसे पहले तो इस 20 को इधर भेजा जाए, जो कि हो जाएगा 24 माइनस 20, ओके। अब यहाँ पे LCM लेके काम कर सकते हैं या फिर इसको ऐसा छोड़ सकते हैं, हम चीज़ों को और अच्छे से हल कर पाएंगे तब। 55 प्लस एक्स बटे 2 ही रहने दीजिए, माइनस 30 ऐसे रहने दीजिए, और बटे में एक्स है, इंटू 10 है, अब 10 को ऊपर भेज दीजिए, ये 10 ऊपर है नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। तो 24 में से 20 घटाने पर 4 मिल गया, ये 10 ऊपर से नीचे आ गया, सॉरी 4 लिखना 10 लिखना था, गुणते एक्स नीचे से ऊपर चला गया, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है, ये काम हो सकता है। बराबर यहाँ पर बचेगा 55 प्लस एक्स बटे 2 माइनस 30, ऐसे ही हो गई बातें। अब यहाँ पे किया जा सकता है काम, काम को आसान करना था, हम मुश्किल बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको पहुँचा तो देंगे ही। LCM ले लेते हैं इसका, तो 2 ही रहेगा, 1 से गुणा करने पर ये 55 प्लस एक्स रहेगा, 2 से गुणा करने पर माइनस 60 हो जाएगा। इधर 2 से कट रहा है, काट देते हैं, और ये 2x बटे 5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चीज़ों को मुश्किल क्यों किए जा रहा हूँ, खैर चलो तिरछा गुणा करो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तिरछा गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा इसमें हो गया, 2 गुणते 2x हो गया, 5 का इधर गुणा करते हैं, 5 गुणते, देखिए पहले तो x लिख लेते हैं, 55 में 60 घटाने पर माइनस 5 मिलता है, वो लिख लेते हैं, और
और घटा देते हैं, यक्स में से पाँच गया, देखिए पाँच से गुणा करेंगे, पाँच यक्स माइनस पाँच पचम पच्चीस हो जाएगा, दो दुनिया चार यक्स हो जाएगा। इस पाँच यक्स को इधर भेज देते हैं तो चार यक्स माइनस पाँच यक्स हो जाएगा बराबर माइनस पच्चीस हो जाएगा। चार यक्स में से पाँच यक्स गया कितना बचेगा, केवल यक्स माइनस में बचेगा और ये माइनस पच्चीस हो रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यक्स बराबर पच्चीस हो जाएगा। चीज़ों को यहाँ पे जो हल करने वाला हिस्सा दिया हमने, इस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं, जैसा भी आप ट्राई कर सकें वैसा हल करें और बस हल कर दें, और कुछ विशेष है नहीं इसमें, करते जाएं काम हो जाएगा। अब हमें प्रश्न संख्या 13 देखनी है और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आगे का जो भी क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में लाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित 12 बंटन का माध्यक 35 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ विशेष काम नहीं करना है, बस इसको कॉपी में लिख लेना है, लिखने के बाद संचय बारंबारता निकालना प्रारंभ कर देना है। तो दो हो गया, तीन दुई पाँच, और यहाँ पे पाँच प्लस यक्स हो जाएगा, छः पाँच ग्यारह प्लस यक्स हो रहा है, ग्यारह पाँच सोलह प्लस यक्स हो रहा है, सोलह तीन उन्नीस प्लस यक्स हो रहा है, उन्नीस दो इक्कीस प्लस यक्स हो रहा है, जो कि n की वैल्यू हो जाती है इक्कीस प्लस यक्स। माध्यक माध्यक दे रखा है आपको 35, तो माध्यक वर्ग इसी से हम निर्धारित करेंगे। माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 35 30 से 40 के बीच में आता है, तो भैया हम यहाँ पे 30 से 40 लिख देंगे। l की वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी, निम्न सीमा जो होती है। h की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी, जो इनका डिफरेंस होता है। f की वैल्यू यहीं से हम खोजेंगे, देखिए 30 से 40 के बीच वाला ये जो हो गया f हो गया, इसके सामने से ऊपर वाला ये सी एफ हो गया। ओके, तो इतने सारी चीज़ें निर्धारित कर लिए हैं, f का मान 6 रख लेते हैं और जो हमारा सी एफ है उसकी वैल्यू रख लेते हैं 5 प्लस एक्स। तो इतनी सारी चीज़ें रख ली हैं और शुरुआत करेंगे इसमें सूत्र लिखते हुए, माध्यक का फॉर्मूला लिखते हैं, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, चीज़ें रख दी हैं। माध्यक रखते हैं, माध्यक जो कि हमारा 35 है वो रखा है, प्लस एल का मान हमने 30 निकाला था वो बराबर लगाना था, 30 लिखा है वो रखना है, प्लस एन बाय टू, एन बाय टू यानी कि 21 है, 21 प्लस एक्स है बटे दो हो जाएगा, और माइनस सी एफ, सी एफ की वैल्यू जो मिली है 5 प्लस यक्स मिली है वो रखेंगे, थोड़ा गंदा हो रहा है बट चलने दीजिए। एफ की वैल्यू जो हो रही है वो 6 है वो रख दे हैं गुड़ते, एच की वैल्यू जो है 10 वो रख देते हैं, 30 को उधर भेजते हैं, तो ये 35 माइनस 30 हो जा रहा है बराबर, यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं, इस बटे 6 को रहने देते हैं, दो और एक एलसीएम ले लेते हैं, दो कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया है, एक से गुणा करेंगे तो ये 21 प्लस एक्स हो जाएगा, दो से उधर गुणा करना है। अब तो चीज़ें मुश्किल और मुश्किल होती जा रही हैं, देखिए माइनस लिखा, दो से गुणा करेंगे तो दो से गुणा करते वक्त थोड़ा विशेष ध्यान देने की बारी आ जाती है, इस वजह से हम इसको ऐसा लिखने का प्रयास कर रहे हैं। कारण ये है कि यहाँ पे आप समझते हो कि दो से ये जो माइनस है अंदर गुणा करेगा तो अपना ये चिन्ह बदलेगा, फिलहाल इसमें घटाते हैं, ये जो मिल जाता है पाँच वो लिख लेते हैं, ये बटे छः को ऊपर भेज सकते हैं, दस को इधर नीचे भेज सकते हैं, तो भेज ही देते हैं, गुणते छः कर लेते हैं बटे दस कर लेते हैं, बराबर किस पार आ जाते हैं, यहाँ पे बटे में दो बचा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। और ये 21 प्लस यक्स माइनस दो से अंदर गुणा कराते हैं 10 माइनस दो यक्स, 10 तो उधर भेज ही चुके हैं कोई काम ही नहीं है, पाँच दुनिया 10 हो रहा है, दो तीन 6 हो रहा है यानी 3 हो रहा है, बराबर के उस पर ये जो दो है इधर भेज सकते हैं, दो भेज लिया, इस एक एक्स में से दो एक्स घटाते हैं माइनस एक्स ले लेते हैं, 21 में से 10 घटाते हैं प्लस 11 लिख लेते हैं और कर लेते हैं काम इतना सा कि 3 दुनिया 6 हो जाएगा, बराबर इसे माइनस एक्स प्लस 11 कर लेते हैं,
11 को इधर भेज देते हैं या फिर x को इधर भेज दें, x इधर भेज देते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, 6 को इधर भेज देते हैं, 11 माइनस 6 हो जाएगा, 11 में से 6 गया 5, x बराबर 5 मिल जाएगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इसी के साथ ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी हमने फैला के रखी है, बट इसको समेटा भी जा सकता है। एक काम किया जा सकता है, यहाँ पे इस हिस्से को अच्छे से लिखने के लिए पहले तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर 6 को ऐसे बगल में निकाल के लिख सकते हैं, यहाँ पे ना लिख करके, यानी दो ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 को, 6 को यहाँ पे निकाल के रख लेते हैं। ऐसे लिखने से क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगा और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इस 6 को भी यहाँ से निकाल करके यहाँ पे रख लें, और मतलब तब अच्छा लगेगा। ये हालांकि गंदगी फैला रखी है हमने, पर काम हो जाएगा, अच्छा लिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ये काम किया जा सकता है। तो आगे आप यही ट्राई करेंगे, और अभी बस इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हिस्से को ख़त्म करने के लिए।